तो हेलो यूट्यूब, दिस इज साज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप मोटो ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि मोटर बाइक लाइसेंस न्यूजीलैंड में कैसे लें। तो स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया अपने इंडियन फ्रेंड्स के लिए, तो जो यहाँ पे आके अपनी मोटर बाइक राइडिंग कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो से अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। मैंने आपके लिए कुछ तो मतलब ट्राई किया आपके लिए मोटर बाइक लाइसेंस कैसे लेना है न्यूजीलैंड में, अगर आपका कोई क्वेश्चन था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो होगा दो पार्ट्स में। पहला कि इंटरनेशनल जो लोग हैं मतलब इंटरनेशनल लाइसेंस को कैसे कन्वर्ट कराएं, जो मेरे इंडिया से फ्रेंड है उनके पास इंडिया का लाइसेंस है, और स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि मोटर बाइक वो उन्होंने मोटर बाइक चलाई है और उसका लाइसेंस में मेंशन होना चाहिए। लाइक मेरे लाइसेंस में मेंशन था MCWG मोटरसाइकिल विद गियर, तो आपको वो कंपलसरी है अगर आपने इंटरनेशनल लाइसेंस कन्वर्ट कराना है। और सेकंड पार्ट ये है कि अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है, आपने जीरो से शुरू करना है, तो आपको फुल लाइसेंस का सारा प्रोसेस से निकालना है। वो सारा प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इंटरनेशनल लाइसेंस को कैसे कन्वर्ट कराएं, तो सबसे पहले आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, उसमें मोटरसाइकिल विद गियर मेंशन होना चाहिए। तो आपको वो क्या करना है, AA पे जाना है। AA यहाँ की ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, जिनके पास कार के लाइसेंस है उनको पता ही होगा। तो आपको वहां जाना है, एक थ्योरी टेस्ट बुक करना है। सीधा ही थ्योरी टेस्ट आप देंगे, उसको अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ऑनलाइन ही प्रैक्टिस किया था, मैंने कोई बुक वगैरह नहीं ली। अगर आप ट्रेनिंग या बुक लेना चाहते हैं तो आप AA से कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थ्योरी टेस्ट देना है AA पे। 32 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 3 गलत होंगे चलेगा, तो वो आपको पास कर देंगे। जैसे ही आप पास करते हैं आपको वहां पे टेम्परेरी लाइसेंस मिलेगा रिसीट की तरह, जिसे आप वीक दो वीक के लिए यूज कर सकते हैं। वीक दो वीक में आप अपना लाइसेंस है वो भेज देंगे, वो आपका लाइसेंस ले लेंगे जैसे फुल लाइसेंस जो आपके पास होगा। तो आपका जो फुल लाइसेंस मान लीजिए अगर न्यूजीलैंड का है तो वो ग्रीन कलर का होगा, उस पर कार का मेंशन होगा ग्रीन कलर का, वो ले लेंगे। फिर आपको विद इन अ वीक और टू वीक एक स्काई ब्लू कलर का आएगा जिसपे लर्नर लिखा होगा, पर उसके पीछे आपकी कार अगर आपके पास है कार का फुल लाइसेंस तो वो मेंशन होगा, और जो बाइक का है वो एटलीस्ट वो एक्स्ट्रा जुट जाएगा उसके अंदर, पीछे बाइक का मेंशन हो जाएगा भी आप बाइक के लर्नर है, और उस पर कंडीशन भी वो लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं कि लर्नर आपको मिल गया है, अब आपकी कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले आपको बाइक जो चलानी है वो है लर्नर अप्रूव्ड मोटरसाइकिल ही होनी चाहिए। तो लर्नर अप्रूव्ड मोटरसाइकिल आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं अभी न्यूजीलैंड में कौन कौन से मॉडल हैं इनके। आई थिंक NZTAAA की साइट पे आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे पास है निंजा 400 जो 600cc से नीचे है, रफली सारी लर्नर अप्रूव्ड ही होती हैं। 600cc से आप ऊपर जाते हैं तो आपको थोड़ी लर्नर अप्रूव्ड बाइक्स नहीं मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। जैसे ट्रायम्फ की कुछ है जो अबव 600 है पर वो लर्नर अप्रूव्ड मोटर बाइक्स हैं। जैसे MTO 7 है यमहा की, तो वो भी लर्नर अप्रूव्ड मोटरसाइकिल है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं एज ए लर्नर। आते हैं चलिए कंडीशंस पे। तो पहली तो हो गई लर्नर अप्रूव्ड मोटरसाइकिल, और आपकी बाइक पे पहले तो मेंशन होना चाहिए एल प्लेट। तो एल प्लेट आपको हमेशा पीछे रखनी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप कुछ ट्रॉली वगैरह टो नहीं कर सकते, पीछे ट्रॉली नहीं लगा सकते बाइक के ऑब्वियसली। और तीसरी कंडीशन ये है कि आप पिलियन नहीं बिठा सकते हैं पीछे, अपने कोई भी अपना फ्रेंड वगैरह बाइक पे नहीं बिठा सकते हैं लर्नर के ऊपर। और चौथी कंडीशन ये है कि आप सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक ही राइड कर सकते हैं, उसके बाद अब राइड नहीं कर सकते। तो ये आपको अब मिल गया लर्नर मोटरसाइकिल लाइसेंस। तो अब मेन चीज ये है कि आपको फुल लेना है। जो इंटरनेशनल लोग हैं मतलब इंडिया से हैं, तो उनको अगर इंटरनेशनल लाइसेंस को कन्वर्ट कराना है तो उसी में सिर्फ ये ऑप्शन है कि आप लर्नर लेने के बाद कभी भी अपना टेस्ट बुक करिए, जब आपको फील लगे कि आप चला सकते हैं, आपको सारे रूल्स पता हो गए हैं, आप फुल लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका। तो आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करना है जो आप BTNZ से बुक कर सकते हैं, अब जब भी कंफर्टेबल हो। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो गए आपने बुकिंग कर लेनी है सीधा, कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। मैंने खुद NZTA को कॉल किया था कि जैसे अगर मैं इंटरनेशनल लाइसेंस कन्वर्ट कराता हूँ लर्नर ले लेता हूँ, तो फुल लाइसेंस लेने के बाद मतलब फुल की बुकिंग जब मैं करूंगा तो उसमें कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड वाले जो पार्ट टू में आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें अगर उस प्रोसेस से हम चलते हैं तो उसमें कुछ टाइम फ्रेम मेंशन होते हैं कि उतने टाइम फ्रेम के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। पर इसमें आप जैसे ही आपको लाइसेंस मिल गया
इंटरनेशनल कन्वर्ट करा के थ्योरी दे दिया, उसके बाद आपको सीधा ही फुल मिल जाएगा। आप कभी भी बुकिंग करा लीजिए जब भी बुकिंग अवेलेबल हो। तो जैसे ही आप बुकिंग अवेलेबल कराएंगे, आपका वो प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे, एक बंदा आपके पीछे मतलब कार वगैरह में या बाइक पे भी हो सकता है, वो आपको फॉलो करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, आपके वायरलेस यहाँ पे हेडफोन से लगा देंगे, वो एक वायरलेस ईयरफोन टाइप, और वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, टर्न लेफ्ट, चेंज लेन, गो स्ट्रेट, टर्न राइट, टेक अ यू टर्न, जो भी है। उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि फुल लाइसेंस के लिए मेरा क्या एक्सपीरियंस था, पर मैं नहीं कहता क्योंकि मैं भी न्यू राइडर यहाँ पे, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं वो बता दूंगा भी मैंने ये फॉलो किया, मुझे फुल लाइसेंस मिल गया। तो ये आपको अब मिल गया फुल लाइसेंस। ये थी इंटरनेशनल कन्वर्ट कराने की सारी प्रोसेस, इसमें आपको इजीली मिल जाएगा, ना आपको वेट करना पड़ा, बस आपको एक थ्योरी टेस्ट देना है और एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना है, आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। और अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे भी, जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं न्यूजीलैंड में मोटर बाइक राइडिंग, और यहाँ से लाइसेंस कैसे मिलता है, यहाँ पे यहाँ के लोगों को लाइसेंस कैसे मिलता है। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले ये फोटो आ रही होगी, तो देखिए ये सारा प्रोसेस है, ये CBTA का एक चार्ट है। CBTA होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग असेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आप किसी भी कंपनी प्रो राइडर राइड फॉर एवर से बुकिंग कर सकते हैं आप टेस्ट वगैरह। तो वहां पे क्या होता है, इस प्रोसेस से आपको पहले ट्रेनिंग देंगे और फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, वो भी मैं आगे बताता हूँ, पहले जीरो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी मिनिमम एज 16 होनी ही चाहिए। तो ठीक है, आपकी 16 एज होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको सबसे पहले देना है बेसिक हैंडलिंग टेस्ट, स्टेज वन। बेसिक हैंडलिंग टेस्ट में क्या है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाना है आपको, क्लिक करके किसी भी इंस्ट्रक्टर से फोन नंबर पे आप बुकिंग कर सकते हैं कि मुझे बेसिक हैंडलिंग टेस्ट देना है। उसमें क्या है, वो आपकी स्किल्स चेक करते हैं भी, आपको मोटर बाइक राइडिंग करनी आती है, बैलेंस करनी, मोड़नी, घुमानी, ब्रेक लगाने, इमरजेंसी ब्रेकिंग होगी, स्पीड, पार्किंग वगैरह, तो आप कैसे मतलब आप कितने यूज टू हो बाइक से, तो वो आप चेक करते हैं। तो आप सबसे पहले वहाँ क्या होगा, आप जाएंगे, वो आपको 8 की शेप में वहाँ पे एक पार्किंग अलॉट होगा, पार्किंग के अंदर कोन्स लगा के वो आपको बताएगा भी सीधे जाओ, राइट जाओ, 8 की शेप बनाओ, रुको, बाइक पार्क करो। तो वो बेसिक हैंडलिंग टेस्ट है, सिंपली आपको वो देना है और आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा भी आपने बेसिक हैंडलिंग टेस्ट क्लियर कर लिया है। वो सर्टिफिकेट लेके आपको स्टेज टू पे जाना है। तो यहाँ पे स्टेज टू क्या है, स्टेज टू है सेम थ्योरी टेस्ट, वहां पे आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, वो सर्टिफिकेट दिखा के आप AA पे कहेंगे कि मेरे पास बेसिक हैंडलिंग है, मुझे लर्नर का एग्जाम देना है। तो आपको सेम लर्नर का एग्जाम देना है बाइक का, वो क्लियर करना है 32 क्वेश्चन या उससे ज्यादा सही करके, उसके बाद आपको वहां पे वही टेम्परेरी लाइसेंस मिल जाएगा, एक रिसीट, सेम प्रोसेस, आप लर्नर अप्रूव मोटर बाइक चला सकते हैं सेम कंडीशंस के साथ जो मैंने एक्सप्लेन की पार्ट वन के अंदर। उसके बाद आपको रिस्ट्रिक्टेड का देना है, यहाँ पे स्टेज थ्री आ जाती है रिस्ट्रिक्टेड। तो आपको लर्नर मिल गया है, अब रिस्ट्रिक्टेड में क्या है, अब जो लर्नर है और रिस्ट्रिक्टेड है उसके बीच में टाइम लिमिटेशन होती है यहाँ पे, मतलब इतना टाइम आपको निकालना ही है, उससे पहले आप टेस्ट नहीं दे सकते। उसके भी दो तरीके होते हैं, एक आप खुद से बुक कर लें, एक आप CBTA किसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रो राइडर राइड फॉर एवर से बुक करें। बेनिफिट ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट से या उन कंपनी से बुक करेंगे तो उसमें आपको टाइम फ्रेम थोड़ा कम हो जाएगा, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके थोड़े कम टाइम में अपना टेस्ट दे सकते हैं, आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे क्योंकि सुबह वो इंस्ट्रक्शन देगा, शाम को सेम पर्सन ही आपका टेस्ट लेके आपका लाइसेंस क्लियर कर देगा। और अगर आप खुद से बुक करते हैं तो आपके पैसे ऑब्वियसली वही फीस लगेगी जो वो बुकिंग की फीस है उस टेस्ट की, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगी, पर एक टाइम फ्रेम के बाद ही आप बुकिंग कर सकते हैं, उतना टाइम आपको गैप डालना ही है अपने लर्नर और रिस्ट्रिक्टेड के बीच में। तो लर्नर और रिस्ट्रिक्टेड के बीच में अगर आप ये येलो सेक्शन में देखते हैं तो क्या है, आपकी मिनिमम एज 16.5 साल होनी चाहिए। तो कितना गैप आ गया, 6 महीने का, तो 6 महीने आपने राइड करना ही चाहिए या आपके लाइसेंस पे डेट 6 मंथ बाद की होनी चाहिए जब आप अपना रिस्ट्रिक्टेड बुक करते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड और लर्नर में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि आपके राइडिंग एक्सपीरियंस बढ़ गया है, आपको आप ज़्यादा यूज्ड हो गए हैं रोड से, बाइक से, और स्पीड से कैसे आपको मेंटेन करनी है अपनी स्पीड स्किल्स, जो वो डिफरेंस है, नथिंग एल्स। और एक डिफरेंस ये है कि आप अपनी बाइक पे लर्नर प्लेट बिना लगाए बाइक को चला सकते हैं, बाकी सब सेम है, लर्नर अप्रूव्ड मोटर बाइक होनी चाहिए, आप किसी को पीछे नहीं बिठा सकते, कोई चीज टो नहीं कर सकते हैं, और चौथी आप सुबह 5 से लेके रात के 10 बजे तक ही चला सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया 6 मंथ,
पर अगर आप CBTA मतलब कंपनी की तरफ से करते हैं तो आप रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट कभी भी दे सकते हैं लर्नर के बाद, पर अगर आपकी एज 16 है तो आपको 6 महीने का गैप रखना ही पड़ेगा, 16.5 होनी चाहिए। अगर आपकी एज 17 है तो आप पहले लर्नर दीजिए, रिस्ट्रिक्टेड कभी भी दे दीजिए, बस कंपनी में जाइए उनसे बुकिंग कर लीजिए। राइड फॉर एवर और प्रो राइडर से आप कभी भी बुकिंग कर सकते हैं और अपना टेस्ट दीजिए, आपको रिस्ट्रिक्टेड मिल जाएगा। इसमें भी सेम आपको प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करना है, VTNZ से प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करके पीछे बंदा होगा आपको फॉलो करेगा हेडफोन लगा के, आप तो आपको कहेगा भी, इंस्ट्रक्शंस देगा राइट जाइए लेफ्ट जाइए, और सेम प्रोसेस है सेम। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टेज 4 पे। स्टेज 4 है लाइसेंस फुल, तो यहाँ पे हमको फाइनली फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। इसमें आपका जो टाइम फ्रेम का गैप है आपके रिस्ट्रिक्टेड से लेके फुल के बीच में वो 18 मंथ होना ही चाहिए अगर आप खुद से बुक कर रहे हैं, और अगर आप खुद से बुक नहीं कर रहे CBTA कंपनी के थ्रू जाते हैं तो उसमें वो 12 मंथ हो जाता है। तो 18 मंथ या 12 मंथ, अगर आपने खुद बुक करना है तो 18 मंथ, और अगर आप कंपनी की तरफ से जाएं तो आप 12 मंथ के बाद टेस्ट दे सकते हैं। तो फुल लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको बुकिंग कर लेनी है। VTNZ से भी मैं फुल लाइसेंस देना चाहता हूँ टेस्ट, सेम प्रोसेस है आपकी, जो मैंने बताया कि 18 मंथ का गैप होना चाहिए, और अगर आप कंपनी की तरफ से जाते हैं तो सिर्फ 12 मंथ का गैप होना चाहिए। आपको बुकिंग कर लेनी है, वो बंदा आपके पीछे बाइक या कार में होगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देगा आपने फॉलो करनी है, और वो आपको क्लियर कर देगा एंड में भी आपने सही टेस्ट दिया, आपको वहाँ पे टेम्परेरी फुल लाइसेंस मिल जाएगा। और विद इन 2 वीक्स आपको जो लाइसेंस नया आएगा वो सेम ग्रीन कलर का होगा, भी आपको फुल मिल गया, उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं होगी, आपकी बाइक मेंशन होगी, या फिर अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस है कार का, ट्रक का, या कोई भी किसी भी क्लास का, वो सब मेंशन होगा। तो ये था वीडियो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ बेनिफिट देती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मैंने कोशिश की और मैंने खुद VTNZ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे भी, ऐसे ऐसे है कोई इंटरनेशनल कन्वर्ट कराना चाहता है कितना टाइम ज़रूरी है, और कोई यहाँ के प्रोसेस से जाना चाहता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिक हैंडलिंग दिया था, मुझे पता नहीं था मैं इंटरनेशनल कन्वर्ट करा सकता हूँ, तो बेसिक हैंडलिंग मैंने दिया था आज से 5-6 साल पहले, फिर उसके बाद मतलब मैंने बाइक लेने की कैंसिल कर दिया, माइंड में मैंने कहा चलो बाद में फ्यूचर में खरीदेंगे जब मन करेगा, तो इसी वजह से मैंने कैरी ऑन नहीं किया। उसके बाद अभी 2 साल पहले ही मैंने लर्नर दिया था, लर्नर का थ्योरी टेस्ट, मुझे पता लगा भी मैं इंटरनेशनल कन्वर्ट करा सकता हूँ, उसमें मेरा टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचे, तो मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, खुद ही मतलब एक्सप्लोर किया इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके और लाइसेंस पे अपना पूरा फोकस किया। तो अगर आपको मेरे उस एक्सपीरियंस की भी वीडियो मतलब आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें बताऊँ कि मैंने फुल लाइसेंस के लिए प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें फॉलो की और मेरा पूरा क्या एक्सपीरियंस था, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सेम लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर न्यूजीलैंड में बाइकिंग की वीडियोस में डालता ही हूँ आपको देखनी है तो मेरे चैनल में जाके सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ अपनी मेमोरीज कलेक्ट कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सॉरी बहुत टाइम ले लिया, चलिए अब वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।